सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल द वुल्फ का, आर्क प्राइमल फियर का। सो गाइस, आर्क प्राइमल फियर का जो पिछला एपिसोड था, उस एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमने जो है ना गाइस यहाँ पे दो खतरनाक से गीगा टेम करे थे। उसमें से एक गीगा को मैंने असेंडेड करप्टेड वाला इवोल्यूशन दे दिया था। अभी मैं सोच रहा हूँ ना, ये गीगा जो है ना, इसका यहाँ पे इस्तेमाल एक बॉस फाइट में कराई जाए। यस गाइस, अभी आज के इस एपिसोड में मैं अगले टायर की बॉस फाइट करने के बारे में सोच रहा हूँ। बट देखते चलो गाइस की होता क्या है। वैसे आज का जो एपिसोड है वो यहाँ पे शुरू करने से पहले, जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गाइस आप लोग को गेमिंग विद एनी के चैनल का, जिनके चैनल पे आर्क की और दूसरी गाइस गेम्स की वीडियो अपलोड होती रहती है। सो उनके चैनल को भी जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस। बाकी अगर आप लोग को यहाँ पे आर्क पीसी के सर्वर बना के अपने दोस्तों के साथ खेलना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको निट्राडो का लिंक मिल जाएगा। निट्राडो पे गाइस आप लोग बड़े आराम से सर्वर डिस्काउंट के साथ अगर आप भी जाते हो तो बना सकते हो। सो जरूर निट्राडो सर्वर को चेकआउट कर लेना गाइस। बाकी अगर आप लोग को गाइस यहाँ पे आर्क पीसी गेम प्ले का अपना जो नया चैनल है उसके बारे में पता नहीं है तो मैं बता दूं कि तुम्हारे भाई ने आर्क पीसी गेम प्ले का एक ब्रांड न्यू नया चैनल खोला है, जिसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा शॉर्ट वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। सो उस नए चैनल को भी जरूर चेकआउट कर लेना, वहां पे भी तुम्हारे भाई के एकदम ओपी ओपी वाली वीडियो जो है ना गाइस वो आती रहती है। अभी बात करते हैं गाइस यहाँ पे कि हम लोग कौन से बॉस से हमारे गीगा को बिड़ाएंगे। सो अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे बॉस समोनर में, तो यहाँ पे जो है ना हम लोग ने टायर 4 क्लियर कर दिए, स्काइनेट वगैरह। एक मिनट रुक जाओ यार गाइस, स्काइनेट को ही टेम कर डाले क्या? हाँ, पहले टायर 5 पूरी टेम कर लेते हैं ना, उसके बाद ही अगले टायर की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा मैं सोच रहा था। ठीक है, टायर 5 में आप देख ही सकते हो यहाँ पे कि हमारा स्काइनेट बॉस था जिसको अभी तक हम लोग ने टेम नहीं करा। वैसे इसको टेम करने के लिए जो मटेरियल चाहिए क्या वो हमारे पास अवेलेबल है? जरा एक बार देखने दो मुझे, इधर आना है बस खाली। एंड इसको टेम करने के लिए रुको, क्या क्या चाहिए बताऊँ? अरे रुको, हाँ क्या क्या चाहिए इसको टेम करने के लिए? वैसे एलिमेंट शार्ड 8000 चाहिए। 8000 शार्ड अभी बनाने के लिए डाल देता हूँ, प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। 8000 शार्ड अभी बनाने के लिए डाल देता हूँ ऑन दी स्पॉट। ठीक है, शार्ड ये लो, 8000 चाहिए। रुको, एलिमेंट और डाल देता हूँ मैं, शार्ड तो इजीली बन जाएगा, शार्ड का उतना ज़्यादा कोई सीन नहीं है। ठीक है, और क्या क्या चाहिए देखते चलो। स्काइनेट बॉस को गाइस आज ना इस वाले एपिसोड में हम लोग टेम करने की, टेम नहीं एक्चुअली मैं क्राफ्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो स्काइनेट बॉस इसको टेम करने के लिए और क्या चाहिए? एलिमेंट शार्ड बन रहे आने से। ओ एक मिनट रुक जाओ, ओ ये ऊपर से जो है ना गाइस खींच नहीं पा रहा। हमारे पास इसको बनाने के लिए जितने शार्ड चाहिए उतने तो अवेलेबल है, बट ये ऊपर ना रेप्लिकेटर में से शार्ड को खींच नहीं पा रहा। मुझे मैन्युअली यहाँ पे डालना पड़ेगा। रुको, मुझे फटाफट से यहाँ पे शार्ड उठाने दो। ठीक है, अभी फटाफट से ये शार्ड जो है हम लोग डाल देते हैं इसके अंदर। और मुझे कुछ बॉसेस को भी क्राफ्ट करना पड़ेगा, और उनको क्राफ्ट करने के लिए मैं भी, मेरे पास सारा सामान पड़ा हुआ है। देख दे चलो, ये शार्ड डाल दिया और क्या चाहिए बताओ? प्राइमल टेक रेक्स। ओके, सो प्राइमल टेक डायनो रेक्स कितने चाहिए मुझे? प्राइमल टेक रेक्स मुझे 3 बना लेने, बराबर 3 प्राइमल टेक रेक्स बनाने के लिए डाल दिए मैंने। अच्छा, सारे के सारे 3 डायनो बना ले, मतलब टोटल 12 बराबर। रुको, और रेक्स 3 बने गए, गीगा 1 2 3 3 गीगा बनाने बराबर। प्राइमल टेक गीगा, प्राइमल टेक क्विजल, क्विजल है ना 1 2 3 3 क्विजल भी बन गए यहाँ पे। और प्राइमल टेक स्टेगो, प्राइमल टेक ये क्या है, पैरासोरस है, स्टेगो कहाँ पे? ये रहा स्टेगो ना, 1 2 3 चलो। सो गाइस, ये टोटल जो 12 डायनोज है ना, वो 12 डायनोज मैंने यहाँ पे बनाने के लिए डाल दिया। और इन 12 डायनोज की मदद से जब ये क्राफ्ट हो जाएंगे, सो इनकी मदद से मैं यहाँ पे इस अनअसेंबल्ड स्काईनेट, जो हमारा स्काईनेट है ना गाइस बॉस, इस बॉस को क्राफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सो आराम से यहाँ पे हम लोग इसको रख देते हैं। रोबी इधर भाई, हम लोग अगले बॉस को क्राफ्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेंगे। पहला तो बॉस रहेगा इलेक्ट्रिक कोलोसिस बॉस। भाई इलेक्ट्रिक से पंगा सीधा, अरे यार गीगा वर्सेस इलेक्ट्रिक कोलोसिस, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम 25 से हो जाएगा हमारा। रुको, पहले इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए?
आर्टिफैक्ट दो चाहिए, डिस्ट्रॉयर सोल चाहिए। ठीक है रुको, पहले तो मैं आर्टिफैक्ट का जुगाड़ कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो जो है ना गाइस बॉसेस जो मैंने 12 बॉसेस बनाने के लिए डाले उनको पिटने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं तब तक ना जाके आर्टिफैक्ट की फार्मिंग कर लेता हूँ, मुझे एक एक ही आर्टिफैक्ट मिलेगा एक टाइम पे। जैसे अगर मुझे आर्टिफैक्ट ऑफ द ग्रेड मिला तो उसको मार के, एक मिनट रुक जाओ, असेंडेड वाला जो आर्टिफैक्ट होता है उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए एक बार देखते ना, क्योंकि उसको मारने से हम लोग को 12 आर्टिफैक्ट मिल जाते सीधा। तो उसको ना क्राफ्ट करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए ना, वो सबसे पहले हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है रुको, तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग आर्टिफैक्ट, तो बॉस के बॉस में जाना है, उसको क्राफ्ट करने के लिए आर्टिफैक्ट ना लगे बस खाली। ठीक है आई, अरे इसको नहीं क्राफ्ट करना था भाई, ये वाला बॉस क्या चाहिए, ओमेगा ब्लड। यार ओमेगा ब्लड चाहिए, बट हम लोग को आर्टिफैक्ट काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे बॉस बनने में, वो टाइम लगने वाला है। चलो गाइस ओमेगा ब्लड जो है ना गाइस उसकी थोड़ी सी यहाँ पे जुगाड़ कर लेते हैं। ये रहा अपना ग्रिफिन, थोड़े से ओमेगा डायनोस को मार के लगभग 200 या 300 ब्लड जो है ना गाइस वो मुझे यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है सो फटाफट से हम लोग यहाँ पे ओमेगा ब्लड का जुगाड़ कर लेते हैं। रुको ओमेगा डायनो, ओमेगा ठीक है, ओमेगा ब्लड का जुगाड़ कर लेना है मुझे। ओमेगा वाली रीपर ही है भाई मैक्सिमम, ये कौन है ओमेगा रीपर। चलो गाइस ओमेगा रीपर तो रीपर ही सही, हम लोग को ब्लड तो मिल जाएगा, लगभग 300 ब्लड चाहिए ताकि मैं यहाँ पे बना सकूँ आर्टिफैक्टो द असेंडेड ग्रेड में गाइस, आर्टिफैक्टो द असेंडेड भाई। ठीक है उसको बनाने के लिए हम लोग को ब्लड की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा, सो मैं फटाफट से ओमेगा रीपर जो है गायब हो गई। अरे यार यहाँ पे आती हुई रीपर गाइस शायद से मर गई या तो ग्लिच के कारण गायब हो गई है। चलो कोई ना रुको, फटाफट से हम लोग ओमेगा वाइवरन, ओमेगा वाइवरन को उसके वाइवरन वैली में जाके मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो सकता है, बट देखते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ, उसकी भी बैंड बजाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ओके और यहाँ पे ओबे बाबा, अरे बाबा कुछ ज़्यादा ही ओमेगा वाइवरन से। ठीक है वो रहा, अबे यार ठीक है, डर के आगे जीते पता है मेरे को, लाइटनिंग तो नहीं है ना। मैं एक काम करता हूँ इसको अपनी तरफ बुलाता हूँ, अबे आना मेरी जान आ जा। ये कौन उंगली करने आ गया मुझे, भाग बेच गया। ठीक है रुको गाइस, हाँ ये आ रहा है 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 आ रहा है, नाइस वन। ए ब्लड ब्लड, आई नीड इज ब्लड ब्लड, 300 ब्लड मिल गया सीधा कल्टी, सीधा घर पे जाने का भी। गाइस हमारा काम हो चुका है, जितना ब्लड मुझे चाहिए था उतना ब्लड तो मुझे मिल चुका है। अभी फटाफट से मैं जो ना गाइस यहाँ पे सीधा अपने घर पे गल्टी मार लेता हूँ। ओके चलो आ जाओ, मजे ही मजे। ओके सो यहाँ पे फटाफट से मैं जो है ना, ओके डन 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 डन, यहाँ पे जो ब्लड है वो डाल देता हूँ स्मिधी के अंदर, और हम लोग आर्टिफैक्ट ऑफ द असेंडेड को जो है ना गाइस यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है ये भाई क्लोज कर लो। ओके आर्टिफैक्ट ऑफ द असेंडेड को मुझे यहाँ पे क्राफ्ट कर लेना है। ठीक है फटाफट से आर्टिफैक्ट ऑफ द असेंडेड, डन 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 डन, इसको मार के ना भर भर के आर्टिफैक्ट मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे कितने डायनो बन के रेडी हैं, ओके पांचों डायनो बन रहे। चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पांचों डायनो बन रहे। ये आ गया अपना आर्टिफैक्ट ऑफ द असेंडेड, अभी फटाफट से हमारे गीगा को ही लेके चलते हैं, और गीगा से ही आर्टिफैक्ट ऑफ द असेंडेड की जो ना कि हम लोग यहाँ पे बैंड बजाएंगे। ठीक है आ जाओ चलो, काम 25 है, काम 25 है। यहाँ पे भाई बुला लेता हूँ आर्टिफैक्ट ऑफ द असेंडेड को, क्योंकि वो खास कुछ डैमेज नहीं देगा हमारी गीगा को। आ गया आर्टिफैक्ट ऑफ द असेंडेड, ठीक है ये ले तेरे को भाई असेंडेड वाले गीगा से। अबे 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 भाई 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 बम चिकी चिकी बम बम डाल देता हूँ, रुको इसका सीधा गेम ओवर हो जाएगा एक बम में। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम हो खल्लास, टाटा बाय बाय गुड बाय। ओह इसने मारा नहीं मुझे, मैं नीचे उतर गया था अपने डायनो से पता है आपको, बट इसने मुझे मारा नहीं भाई। 500 मिलियन भी डाउन करने में मेरी बैंड बज रही है इसकी, तो इसकी 500 मिलियन हिल्दे डाउन करने में बैंड बज रही है। पावर अप कर लेता हूँ उनको पावर अप कर लेते हैं हम लोग, पावर अप करके यार संभल के मर ना जाओ, मर गया लग रहा है। अरे यार आर्टिफैक्ट तो दे असेंडेड ने चुम्बी दे दी मुझे। ठीक है रुको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं लेने का गाइस, टेंशन खाली देने का। ठीक है रुक जाओ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं अभी फटाफट से यहाँ पे सिलेस्टियल गीगा को वापस बुला लेता हूँ,
एंड उस आर्टिफैक्ट ऑफ द असेंडेड के ना बैंड बजाते हैं भाई, ओरिजिन से भी ज्यादा पावरफुल है यार वो भाई, 600 मिलियन मिलते हैं और मरने का नाम नहीं ले रहा, उसके पास आर्मर प्रोटेक्शन जो है ना गाइस वो काफी ज्यादा तगड़ा वाला है। तो फिर फटाफट से सारा सामान ले लेता हूँ, गीगा को वापस बुला लेता हूँ, इसका स्टैमिना इंक्रीज करने के लिए ना वो वाइट वाला पोशन इसके अंदर डाल देना, ये वाला ठीक है। चलो आ जाओ, आप भी देखता होगा इसकी वो मेरे गीगा को कैसे मार पाता है, ठीक है। चल 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 चल, वो रहा आर्टिफैक्ट ऑफ द असेंडेड, मुझे आर्टिफैक्ट चाहिए, आर्टिफैक्ट ऑफ द असेंडेड, मेरे को तेरा आर्टिफैक्ट देते हैं। अबे यार ये चूजे जो है ना ये नीचे गिरा देते डायनो से, मैंने अभी पावर अप कर दिया, पिछली बार मैंने पावर अप नहीं करा था, अभी ये मरा, अभी ये कुत्ते की मौत मरेगा मेरे हाथों को, अभी ये कुत्ते की मौत मरेगा। ये ले बेटा, फायर अटैक 1 मिलियन का फायर अटैक डाल रहा हो, और जब ये भाई यहाँ पे आसमान में देख के इसे दोनों हाथ आगे करेगा ना तो थोड़ा सा ना मुझे दूर चले जाना, क्योंकि इसका स्टन वाला अटैक पड़ जाता है, ये स्टन कर देता है इसे। चलो अभी फटाफट से चलते हैं, ये सारे आर्टिफैक्ट अपने घर पे ट्रांसफर कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग स्काईनेट बॉस को यहाँ पे टेम कर लेंगे, ठीक है। आर्टिफैक्ट डबल डबल मिले होंगे मैक्सिमम आर्टिफैक्ट, रुको अभी मुझे जो ना कुछ दिनों तक तो आर्टिफैक्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे पास काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट आ चुके हैं, आर्टिफैक्ट्स ओके। मेरे गीगा के अंदर और थोड़े से आर्टिफैक्ट शायद से पड़े हुए होंगे या फिर सारे उठा लिए मैंने, जरा एक बार मुझे चेकआउट करने दो गाइस। ना कुछ भाई आर्टिफैक्ट पड़े हुए डबल डबल, और कुछ यहाँ पे सामान भी अच्छा वाला, रुको ये डालो। ए मुझे जूता मिल गया क्या सिलेस्टियल वाला, रुको मैं भाई अपना ओरिजिन वाला जूता हटा के सिलेस्टियल वाला जूता पहनूंगा, ठीक है। और एक हेलमेट भी मिला था डिमोनिक वाला, मैंने पिछले एपिसोड में जो बॉस फाइट करी थी उसका रिवॉर्ड है गाइस ये। चलो अभी यहाँ पे फटाफट से मैं जो ये सारा का सारा सामान इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। एक और आर्टिफैक्ट बचा हुआ भाई, वो भी यहाँ पे लेके आता हूँ, और रुको सारी अगर चीज़ें बन के रेडी हैं तो स्काईनेट बॉस को बना लो। यस गाइस, स्काईनेट बॉस जो है वो भी मैंने क्राफ्ट करने के लिए यहाँ पे डाल दिया है। ओ ये जूते की स्पीड काफी ज्यादा तेज है भाई, ये देखो भाई तेरा भाई फ्लैश बन गया भाई, फ्लैश स्पीड देख रहे हो भाई, सिलेस्टियल के जूते से ना हम लोग को स्पीड बूस्ट मिल जाता है, ठीक है। रुको यहाँ पे सारे आर्टिफैक्ट डाल के हो चुके हैं, और जो हमारा बॉस था वो बॉस भी बन के रेडी हो चुका है गाइस, ठीक है। चलो आ जाओ अभी हम लोग जाएंगे गाइस स्काईनेट, एक मिनट रुक जाओ, स्काईनेट का मैंने सैडल ही नहीं उठाया है, स्काईनेट का सैडल रुक जाओ यहाँ पे है क्या, स्काईनेट का ये रहा स्काईनेट का सैडल, लेट्स गो बॉयज, अभी मजा आएगा ना वीडियो गाइस। अभी हम लोग स्काईनेट बॉस को यहाँ पे चला के आपको दिखाएंगे, और मैं दिखाऊंगा स्काईनेट बॉस के अलग अलग खतरनाक से न्यूक्लियर बम वाले अटैक गाइस, ठीक है। इसके न्यूक्लियर बम वाले अटैक ना काफी ज्यादा खतरनाक वाले, रुको इसको ना बेस के बाहर जाके मैं स्पॉन कर लेता फटाफट से। चलो आ जाओ भाई लोग, अभी यहाँ पे फटाफट से हम लोग जो है ना गाइज स्काईनेट बॉस को टेम कर लेते, टेमेबल वर्जन ही बाहर निकलने वाला है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। रेडी हो, 1 2 3 लेट्स गो बॉयज, यस। रुको इसके ऊपर जो ना गाइस मैं लगा देता हूँ सैडल, अब इसका लुक देखना भाई, ओ भाई साहब क्या लग रहा है बाबा, ये देखो क्या लग रहा है, एकदम खतरनाक वाला, देखो भाई एकदम जबरदस्त खतरनाक सुपर से भी ऊपर वाला गाइस लुक हमारी स्काईनेट का। एक मिनट रुक जाओ, स्काईनेट जो बॉस है अगर मैं इसके अंदर समझ लो वो अपग्रेड्स डाल देता हूँ तो क्या वो वर्क करेंगे, अभी पहले तो वर्क नहीं करते थे बट अभी वर्क करेंगे, रुकना मुझे एक बार देखने दो, हाँ शील्ड मॉड्यूल वगैरह डालने दो मुझे यहाँ पे, शील्ड मॉड्यूल नहीं ना, नहीं 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 ये अपग्रेड्स वर्क नहीं करते, ये खाली जो हमारे डायनोज होते हैं ना उनके ऊपर ही वर्क करते हैं, जो हम लोग भाई बॉसेस क्राफ्ट करते उनके ऊपर ही अपग्रेड जो है ना गाइस वर्क करने का काम करते हैं। चलो अभी गाइस हम लोग इस स्काईनेट से जो है ना गाइस यहाँ पे पूरे आर्क में मचाने वाले एकदम फुल टू तबाही ना मेरे भाई। सो आर यू गाइस रेडी टू रॉक एंड रोल मेरे भाई लोग, रुको गाइस अभी फटाफट से जो है ना गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले तो अपने इस स्काईनेट बॉस से जो है ना गाइज
इस कैंडिडेट बॉस की सबसे पहले मैं लेवल अप कर लेता हूँ, मुझे इसके अंदर जो है ना एक्सपी पोशन डाल देना और इसकी मैक्स लेवल अप करनी है। उसके वैसे इसकी हेल्थ जो है, ए मैं इसकी हेल्थ में जितने भी पॉइंट डालूँ कुछ नहीं होने वाला, इतू इतू सी गाइस इसकी हेल्थ बढ़ रही है, फायदा नहीं है गाइस यहाँ पे। इसकी हेल्थ में पॉइंट डाल के इतू इतू सी हेल्थ बढ़ रही है, मतलब मुझे मैक्सिमम जितने भी पॉइंट है उसके डैमेज में डालने पड़ेंगे, ठीक है। सो एक काम कर लेता हूँ, मैंने कुछ दो तीन पॉइंट इसकी हेल्थ में डाल दिए हैं, वो मैं रिसेट कर लेता हूँ। और हम लोग जो है ना कि इसके जितने भी बचे हुए पॉइंट है, जितने भी पॉइंट आए 88 टोटल पॉइंट हम लोग इसके डैमेज में डाल रहे हैं, ठीक है। लेट्स गो बॉयज, ये सारे के सारे पॉइंट इसके हम लोग अभी यहाँ पे डाल रहे हैं डैमेज के अंदर। ये दबा के डैमेज में पॉइंट, ये दबा के डैमेज में पॉइंट, यस। चलो गाइस, इसको मैंने मैक्स लेवल कर दिया है, बट क्या हम लोग इसको इम्प्रिंट करें? इम्प्रिंट करने से पहले इसको क्रायो करना जरूरी है ना गाइज। सो मैं पहले एक बार क्रायो कर लेता हूँ। भाई स्पीड देखो भाई, तीरा भाई फ्लैश का भाई भाई बन चुका है, ये देखना स्पीड, देखना स्पीड, घर जाएंगा ब्रियो भाई, इतनी ज़्यादा स्पीड भाई। ये देखो फुल फ्लैश बन गया भाई तेरा, भाई फुल फ्लैश भाई, एकदम फुल स्पीड में, फुल स्पीड में। ये देखो भाई सीधा घर पे पहुंच गया मैं भाई। ये जूता पहनने के बाद ना मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पे। और अभी मैं जो अपना स्काईनेट बॉस है उसके अंदर इम्प्रिंटिंग पोशन डाल के देखने वाला हूँ कि वो इम्प्रिंट होता है क्या। शायद से इम्प्रिंट नहीं होगा, बट फिर भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग ट्राई कर लेते हैं। मैं इसके अंदर FMK वाला जो है ना गाइस यहाँ पे डाल रहा हूँ इम्प्रिंटिंग पोशन, शायद से गायब हो सकता है डायरेक्टली, इसलिए मैंने इसको क्रायो करा था ताकि हम लोग इसको रिवाइव कर पाए, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे फटाफट से इसको खिला रहा हूँ इम्प्रिंटिंग पोशन इन 1 2 3। भाई गायब नहीं होना, गायब नहीं होना प्लीज प्लीज। अरे यार ये इम्प्रिंटिंग पोशन भाई, मैं इम्प्रिंट ही नहीं कर पा रहा यार अभी तो डायनोस को, पता नहीं ये क्या ही सीन है यार भाई, इम्प्रिंट ही नहीं कर पा रहे हम लोग भाई। स्पीड तो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपने कैरेक्टर को कंट्रोल करना मुश्किल है। रुको सोल रिकवरी में चलते हैं, लोकल में चलते हैं, और यहाँ पे रेक्स डाल देना है। नहीं यार वो नहीं भाई, स्केलेटनाइज, स्केलेटनाइज नहीं, क्या था नाम, स्काईनेट, स्काईनेट, स्काईनेट तो ये वाला 900 लेवल बराबर यही है ना, शायद से यही है, यही है क्या, रुको एक मिनट रुक जाओ, शायद से ये नहीं है, मे बी गाइज ये नहीं है, रुको मैंने एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक स्काईनेट टेम करा था, मे बी ये वो स्काईनेट नहीं, ये अपना वाला ही है ना, ये अपना वाला है क्या, नहीं ये अपना वाला नहीं है मे बी गाइज, रुको यार यहाँ पे हिट वेव भी आ चुकी है, ये अपना वाला स्काईनेट नहीं है। अपने स्काईनेट का नाम कुछ अलग था, अपने स्काईनेट का नाम ना नंबर्स में था। रुक जाओ मुझे एक काम करने दो, फटाफट से लॉग बुक देखने दो, लॉग बुक में मुझे अपने स्काईनेट का नाम दिख जाएगा, ठीक है। अपने स्काईनेट का नाम था टेम EU96 भाई, नंबर में नाम है यार, रुको अपने EU96 को ना मैं यहाँ पे फटाफट से रिकवर कर लेता हूँ, ठीक है। EU96 बॉयज यहाँ पे सोल रिकवरी EU96 ये रहा अपना स्काईनेट बॉस। रुको एक बार बाहर निकाल के मैं कंफर्म कर लेता हूँ, और ये जो हीट वेव आई है ना गाइस ये जाने दो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे मचाएंगे फुल टू तबाही, वो भी स्काईनेट से। क्या मैक्स लेवल हुआ हुआ स्काईनेट है अपना, हाँ यही है गाइस अपना मैक्स लेवल करा हुआ स्काईनेट, जिसके सारे डैमेज पॉइंट मैंने मिली डैमेज में डाले, ठीक है। अभी ये हीट वेव जाते ही हम लोग स्काईनेट को लेके यहाँ पे स्क्रॉच अर्थ में तबाही मचाने के लिए निकल लेंगे। तब तक आप लोग लाइक एंड भाई सब्सक्राइब कर देना जब तक गाइस यहाँ पे ये हीट वेव गायब हो रही है, ठीक है। रुको गाइस, A few moments later. Guys, यहाँ पे जो हीट वेव है वो जा चुके, और अभी हम लोग हमारे इस खतरनाक से स्काईनेट बॉस से सबकी बजाने वाले हैं पुंगी ना मेरे भाई लोग। आ जाओ भाई, किसी को चिंता नहीं छोड़ूंगा, एक एक को भाई यहाँ पे भाई काट के रख दूंगा। मेरा वैसे बाइट अटैक जो है ना कैसे, एक मिनट रुक जाओ, मुझे एक चीज देखने दो कि जो हमारा स्काईनेट बड़ा सा पापा का परा, इसको पापा का परा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस रेक्स के पास ना आप देख सकते हो दो दो विंग्स है। ये विंग्स है गाइस क्विजल के विंग्स, जो कि गाइस ये पहन के यहाँ पे आया है, और इसको जो है ना गाइस हम लोग ने जिन जिन डायनो से बनाया था, गीगा, स्टेगो, ट्राई, क्विजल, वो सबका एक एक पार्ट इसके ऊपर लगा हुआ है। क्विजल के विंग लगे, ट्राइक का जो है गाइस वो थोबड़ा ऊपर का जो सर के ऊपर लगा हुआ देख रहे, ये ट्राइक का लगा हुआ है। उसके बाद भाई यहाँ पे स्टेगो का भी कुछ ना कुछ लगा होगा, और गीगा का जो ना गाइस यहाँ पे आई थिंक से बॉडी नहीं, रेक्स का बॉडी है आई थिंक से, ये नहीं गीगा का बॉडी है मे बी, और रेक्स का थोबड़ी उस पर लगा हुआ है। सो सारी चीजें जो ना गाइस दूसरे डायनो से उधार ले लेके इस डायनो पे फिट करिए, और ये स्काईनेट बॉस बनाया गया है। अभी मैं देखना चाहता हूँ कि कंट्रोल प्लस सी से पावर अप हो रही है,
ना कंट्रोल प्लस सी से पावर अप तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, मुझे लगा भाई कंट्रोल प्लस सी से पावर अप होगा बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है चलो, अभी गाइस मैं आपको इसके अटैक्स दिखा देता हूँ कि इसके पास कौन कौन से खतरनाक खतरनाक से अटैक है। सो इसके पास है गाइस यहाँ पे खतरनाक सा एक बाइट अटैक, ठीक है, उसके बाद इसके पास है, एक मिनट रुक जाओ, ये मेरे डायनो को तो नहीं मारेगा ना, पिछली बार मैंने स्काइनेट का ये अटैक यूज करा था कोई थी और मेरे डायनोस मारे गए थे, इस बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। रुको, स्काइनेट को ना बेस से थोड़ा 400 किलोमीटर दूर लेके जाके इसके अटैक चेकआउट करने मुझे, ठीक है, मैं बेस से काफी ज्यादा दूर जाऊंगा और इसके अटैक चेकआउट करूंगा। अभी भाई इसके अटैक चेकआउट नहीं करने वरना भाई थोड़ी बैंड बिंड बच सकती है भाई, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, यहाँ से स्काइनेट को जो ना इस बेस से थोड़ा सा दूर लेके जाना है। वो यहाँ पे सामने भाई टोनी भी नहीं डालने, अरे डरते है क्या भाई वो ड्रैगन से। चलो आ जाओ गाइस, आ जाओ, डरेगा जिम करेगा इज, लेट्स गो भाई। डिमोनिक वाला और थ्रोनी ड्रैगन तो गाइस यहाँ पे गायब ही हो गया। वो रहा आगे भाई, ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे इसके आराम से अटैक दिखा सकता हूँ, मेरे बेस से दूर है क्योंकि पिछली बार ना मैंने इसके अटैक दिखाए थे ना जब मैं खेल रहा था एबरेशन, तब इस डायनो ने मेरे सारे डायनोज मार दिए थे इसके अटैक से, भले ये मेरा डायनो था फिर भी, तो मैं नहीं चाहता वैसे कुछ अभी हो, इसलिए मैं इसको बेस से 400 किलोमीटर दूर लेके आ चुका हूँ। एंड अभी मैं आपको यहाँ पे इसके अटैक दिखाने वाला हूँ। इसके पास एक खतरनाक सा एक बाइट वाला अटैक, लेफ्ट क्लिक में चिल्ला के आसमान से न्यूक्लियर बम जमीन पे गिराने वाला एक खतरनाक सा अटैक, और जहां पे भी न्यूक्लियर बम गिरता है ना वहां पे ऐसी आग ही आग लग जाती है, देख रहे हो हर जगह पे बस आग ही आग लग जाती है जहां पे भी गाइस इसका बम गिरता है, इतना ज्यादा खतरनाक वाला है रेक से, ठीक है। ये इसका लेफ्ट क्लिक वाला अटैक। अभी बात करते हैं सी वाले अटैक की। सी वाले अटैक, सी वाले अटैक कुछ भी नहीं कर रहा भाई, सी पे अटैक ही नहीं, एक्स पे है, जेड कंट्रोल क्यू है, हेलो बस खत्म, कंट्रोल प्लस सी भाई, कोई अटैक नहीं है, बस दो ही अटैक है गाइस इसके पास, एक बाइट अटैक लेफ्ट क्लिक वाला अटैक और बस खत्म। अरे यार ये क्या फालतू गिरी है, इसके पास गाइस बस मुझे दो ही अटैक देखने को मिल रहे हैं और कोई भी अटैक गाइस इसके पास नहीं है भाई, ऐसा क्यों यार, ऐसा क्यों भाई, तो बहुत ज्यादा बड़ी नाइंसाफी है। चिल्ला भाई, हाँ जोर से चिल्ला, बम चिकी चिकी बम बम, ठीक है ठीक है, खास कोई अटैक तो भाई दिखाई ना दे रहा है इसके पास, वही बेसिक से ही अटैक है गाइस, बस दो अटैक है, एक तो बाइट वाला अटैक है और एक चिल्ला के न्यूक गिराने वाला अटैक। मुझे लगा इसके पास जब मैं बॉस फाइट करने गया था तो काफी सारे अटैक थे, सो वैसे कुछ भाई ओपी ओपी वाले अटैक इसके पास होंगे ऐसा मेरे को लगा था, बट ऐसी कोई भी बात नहीं है भाई, इसके पास उतने भी कुछ खास ओपी वाले अटैक्स मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। चलो कोई ना, एक काम करता हूँ, इसको बॉस से भी भिड़ाओ या ना भिड़ाओ मुझे समझ नहीं आ रहा, बॉस उल्टा इसको मारना दे, 4 मिलियन का बाइट अटैक है, मैं किसी बॉस से कहीं स्काइनेट को भिड़ाओ क्या, यहाँ पे चमक तो बहुत ज्यादा आ रहा है, इसकी शाइन चेना गाइस देखना रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट गाइस इसके ऊपर गिर के, यहाँ पे सीधा मुंह पे रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट। रुको गाइस एक काम कर लेता हूँ मैं फटाफट से, अभी यहाँ पे क्या करता हूँ बताएं, एक ओरिजिन बॉस को बुलाता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ कि ये जो है ना गाइस यहाँ पे क्या कर पाता है उस ओरिजिन बॉस का। स्पाइनो को बुला रहा हूँ मैं, वाह भाई वाह, स्पाइनो आया तो आया, सीधा जमीन के अंदर ग्लिच भी हो गया। रुको यहाँ पे एक और स्पाइनो को बुला रहा हूँ मैं, ठीक है, एक और स्पाइनो को बुलाता हूँ, आ गया स्पाइनो, ठीक है, न्यूक्लियर, हाँ ये न्यूक्लियर बम वाला अटैक क्या करेगा, 2 मिलियन का डैमेज पड़ा था यार न्यूक्लियर बम वाले अटैक से, हाँ बट उसके बाद जो ना गाइस वो बर्निंग डैमेज भाई 10 मिलियन का डैमेज पड़ा है वहां पे, स्लो भी कर रहा है ये गाइस, मेरा न्यूक्लियर बम वाला अटैक जो है ना गाइस वो यहाँ पे डायनो को स्लो करने का भी काम कर रहा है, कि मेरे लिए तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। ये देखना मैं इसे पीछे हट हट के ना इन लोग की बैंड बजा सकता हूँ, वो भी बड़े आराम से, मुझे बस पीछे हटते जाना है और मेरा न्यूक्लियर बम वाला अटैक डालते जाना है लाइक दिस, गिर जा ये ले भाई ये ले, और जो आई थिंक से मेरा बर्निंग डैमेज है ना वो बर्निंग डैमेज गाइस जहाँ पे अपना काम कर रहा है, मर गया क्या, नहीं मरने में जमा है, मरने में जमा है, चिल्ला के न्यूक्लियर बम डाल देता हूँ इसके थोपड़े पे, ये स्पाइनो गए हो भाई, ये स्पाइनो तो गए हो, मरने का नाम ही नहीं ले रहा यार, लेकिन ये बहुत ज्यादा धीरे है भाई, मैंने इसको स्लो तो कर दिया, आप देख ही सकते हो काफी ज्यादा स्लो हो चुका ही है, और ये भाई मरने का नाम ही नहीं ले रहा, क्या कर रहा भाई तू, ये काफी ज्यादा क्लोज पहुंच गया मेरे, अरे हट जा भाई हट जा, काफी ज्यादा क्लोज पहुंच गया भाई, लेकिन मैं इसकी बैंड बजाऊंगा भाई,
इसको मैं मार के रहूंगा, ठीक है, कुछ भी हो जाए इसको मार के रहूंगा। कितनी डाउन है इसकी? अभी बस मैंने इसकी 50% हेल्थ डाउन करी है। इसका मतलब समझ रहे हो गाइस, ये डायनो उतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। स्काइनेट जो है ना गाइस, उतना भी ज्यादा खतरनाक, कुछ डैमेज वगैरह नहीं डील कर पा रहा यार बॉसेस के ऊपर। वो स्पाइनो भाग रहा है मेरे को, स्पाइनो के थोबड़े पे डाल देता हूँ सीधा न्यूक्लियर 10-12 और बम। भाई न्यूक्लियर बम वाला अटैक लेकिन है काफी खतरनाक, बट जो है ना कि बॉसेस वगैरह को मारने के लिए नहीं बनाए स्काइनेट बॉस। अगर मुझे किसी डायनो को मारना है ना, तो मैं स्काइनेट बॉस से डायनो वगैरह को मार सकता हूँ, लेकिन बॉसेस को मारने में स्काइनेट बॉस जो है ना कि थोड़ा सा यहाँ पे पीछे रह जाएगा। मतलब उतना खास कुछ जो है ना कि स्काइनेट बॉस अपना बॉस को मारते टाइम कुछ कर नहीं पाएगा, बॉस को मार ही नहीं पाएगा पहली बात तो ये, ठीक है। अभी मैं आपको आखिरी बार इसके सारे अटैक, तो भाई पूछा डाली, एक मिनट रुक जाओ, मुझे भी डैमेज पड़ रहा है क्या? रुका था इस आग, देखो हर जगह पे आग ही आग लगा डाली है तेरे भाई ने, हर जगह पे बस आग ही आग लगा डाली है। डैम ड्यूड, डायनोज देख रहे हो कितने सारे मर रहे भाई, भर भर के डायनोज मर रहे बाबा, भर भर के डायनोज मर रहे हैं। ये ले, अरे खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस। सबकी बेटी बनाएगा तेरा भाई, अभी सबकी बेटी बनाएगा, रुको, ये ले, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा भाई। न्यूक्लियर बम वाला अटैक मेरा काफी ज्यादा खतरनाक है यार, काफी गंदा डैमेज दे रहा है यार, यहाँ पे काफी खतरनाक वाला डैमेज दे रहा है। ये ले, अरे खत्म, हर जगह पे बस आग ही आग लगा डाली तुम्हारे भाई ने। जो भी डायनोज यहाँ पे दिख रहे थे उन सारे डायनोज की जो ना गाइस बैंड बच चुकी है अभी यहाँ पे। मैं अपना स्काइनेट बॉस जो ना काफी खतरनाक है, ये वाला अटैक काफी ओपी है डायनो को मारने के लिए, बॉस वगैरह को जो ना गाइस मैं इस वाले अटैक से मार नहीं सकता हूँ, ठीक है। मचाएंगे, ओ यस, बूम बाप, सबको उड़ाना दूंगा भाई। क्या मार रहा है यार ये भाई, रेक्स तो है काफी खतरनाक, बट इससे ओरिजिन ब्रिजिन को हम लोग नहीं मार सकते। पूरा एरिया देखो भाई जला के स्काइनेट भाई खाक कर रहा है। इसका नाम जिसने भी दिया है एक नंबर नाम दिया है इसको स्काइनेट भाई, पूरे एरिया को ना जला के पूरी तरीके से खाक कर रहा है हमारा स्काइनेट। लाइक दिस, देख रहे हो, पूरे एरिया को जला के खाक कर देता है, भस्म कर देता है। नाम जिसने भी दिया है एक नंबर नाम दिया है भाई, मजा आ गया भाई इसको यहाँ पे चला के। वैसे आप बताना गाइस कि आपको हमारा जो स्काइनेट बॉस हुआ है गाइस, ये स्काइनेट बॉस कैसे यहाँ पे लगा? अगर आपको हमारा स्काइनेट बॉस यहाँ पे पसंद आया होगा ना, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। वैसे गाइस अभी हम लोग ना इस स्काइनेट बॉस से बॉस फाइट वगैरह नहीं ले सकते, भले इसका वो गाइस न्यूक्लियर बम वाला अटैक काफी खतरनाक हो, काफी सारे डायनोस को ये भाई एक फटके में यहाँ पे उड़ा पा रहा हो, बट गाइस बॉसेस के अगेंस्ट इसका बर्निंग डैमेज काफी कम जा रहा है। सो इसलिए बॉस फाइट में हम लोग हमारे स्काइनेट बॉस को जो है ना गाइस नहीं यहाँ पे उतार सकते, लेकिन कोई ना, अगले एपिसोड में देखना भाई, अगले एपिसोड में देखना तुम्हारा भाई कौन सा डायनो। पर जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं अपने गीगा को गाइस बॉस के अगेंस्ट उतारने वाला हूँ, तो अगले एपिसोड में ना कोलोसस, इलेक्ट्रिक कोलोसस वर्सेस हमारा असेंडेड सेलेस्टियल गीगा, इसकी फाइट होने वाली है। तो वो जो बॉस फाइट होगी गाइस वो बिल्कुल मिस नहीं करना, और आज का हमारा जो स्काइनेट बॉस है वो भी आपको कैसे लगा जरूर नीचे कमेंट करके बताना। अगर आज का हमारा स्काइनेट बॉस आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा, बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। For you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we were